गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हनीफाज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने नाश्ते में नाश्ता क्या, ये समझ रही है मेरे बच्चे थोड़ा सा ज़रा सा हैवी सा खा लेते हैं, फिर वही फिर दोपहर में करीब 5 बजे के समथिंग ये लोग लंच लेते हैं। तो आज मैंने नाश्ते में प्याज आलू के पकौड़े बनाए, जिसका अपने किचन में हनीफा के किचन में जिम, चूँकि मेरा सेकेंड चैनल है, मैंने उस पर अपना शॉर्ट भी अपलोड किया है। और ये मेरे अंकल चिप्स हैं, मीन्स पटाटो चिप्स हैं, जो कि मैंने रमज़ान में बनाए थे। तो घर के माशाल्लाह से सारी सफाई हो गई है और बच्चे भी सारे ट्यूशन गए। ये देखिएगा, माशाल्लाह से सारे घर की सफाई हो चुकी है अल्लाह के फजल करम से। और अब मैं किचन में भी मेरा मोस्टली इन टोटल सारे ही काम हो गया था, बस थोड़ा सा बोचेस वगैरह रह गए थे फ्रीजर के भरने को, तो मैंने सोचा अब वही बोटलें कंप्लीट कर दूं। ये देखिएगा, ये मेरी लॉबी है। सीलन बहुत ज़्यादा है हमारे घर में, तो मोस्टली सारे ही पूरे घर ख़राब से ही हो चुका है। ये देखिएगा कितना सीलन है। तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो ये सील दूर करने का तो बताइएगा। ये लेंटर में भी है, ये इसके पटान में, मतलब जो भी यहाँ से दीवार उठी है उसमें पूरी में सील ही सील है। हमारे सेक्शन में मेरा फर्स्ट फ्लोर है, मीन्स ग्राउंड फ्लोर नहीं है, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, विदाउट एसी काम नहीं करता। और दोपहर में हम लोगों का एसी नहीं चलता, अब मालूम नहीं क्यों नहीं चलता रीज़न से। तो पूरा दोपहर इसी तपती हुई गर्मी में हमें काटना पड़ता है। ये देखिएगा कितनी गर्मी है, कितनी शदीद गर्मी है, आपको धूप देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी गर्मी है यहाँ पर। बस ऐसा लगता है फ़तेहपुर सीकरी है, सब लोग कहते हैं घूमने चलिए फ़तेहपुर सीकरी, तो हम कहते हैं हमें फ़तेहपुर सीकरी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पत्थर ही इतने ही गर्म रहते हैं कि इन पर नंगे पैर चलना वहाँ मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। वो मेरा एसी रूम है, मैंने अपने एक ही रूम में एसी लगवाया है, क्योंकि मेरे इतने बच्चे नहीं हैं, 3 बच्चे हैं, तो हम सब लोग साथ ही सोते हैं और साथ सोने से मोहब्बत बढ़ती है, रात में बातें शातें करते हैं एक दूसरे से। खैर, गर्मी का टॉपिक चल रहा है तो इन पंखों से भी हवा नहीं आती, तो गर्म हवा फेंकते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मगर बस अल्लाह ताला सब मैनेज करा ही देता है। देखिएगा, खाने में आज हमने कीमा आलू बनाया है और बस ये ग्लासेस वगैरह रह गए हैं, थोड़े से किचन की थोड़ी डस्टिंग रह गई है, बर्तन वगैरह मैंने सारे वॉश कर लिए थे। तो आज मैं कीमा आलू डाल रही हूँ, मैंने इसकी भी रेसिपी अपने मेरा जो सेकंड चैनल है हनीफा किचन, मैंने उस पर अपलोड करी है, आप देखिएगा। और आज मैंने कीमा आलू का शॉर्ट भी अपलोड किया है। धूप देखिएगा कितनी है, आप धूप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कितनी गर्मी रहती होगी। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं गर्मी की वजह से, अब टोटल टाइम तो कमरे में नहीं बैठ पाएंगे, इस कमरे के काम करने के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो बस यूँ ही समझ लीजिए ये हमारी लॉबी है, यहाँ पर मैंने बहुत बेहतरीन से प्लांट्स लगाए हैं। तो ये देखिएगा हमने कौन से प्लांट लगाए, हमने मनी प्लांट लगाया है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये मेरा लगेज रूम है, इसमें सारा राशन वगैरह रखते हैं। गर्मी इतनी है कि गद्दे पत्थर सब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, तप रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अंततः तो यहाँ तक का ये होता है कि मैं जो खाना बना कर रखती हूँ, दाल वगैरह, तो वो शाम तक अगर मैंने किचन में रखी है तो शाम तक ख़राब हो जाती है, उसमें बवल आ जाते हैं। तो मैं दाल मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि ताज़ा बनाऊँ। मेरे बच्चे करीब 6 बजे ट्यूशन से आते हैं, तो मैं उनके आने से आधा घंटा पहले ही खाना रेडी कर कर रखती हूँ, जैसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, उसमें बबल नहीं आए। मोस्टली 4 से 5 बार मेरी दाल वगैरह ख़राब हो गई, आलू वगैरह ही जो भी बैजेस वगैरह मैंने बनाए थे, तो मैं तभी बनाऊँगी। आटा भी मैं डो बना कर फ्रिज में रख देती हूँ, एंड टू एंड मैं रोटी देती हूँ, मुझे एंड टू एंड रोटी देना ही पसंद है, क्योंकि मेरे भी बच्चों को वही आदत पड़ गई है एंड टू एंड खाने की, मैं उन्हें 5 मिनट भी बना कर नहीं रखती। तो यही मेरा डेली का रूटीन है। और तो मैं मेड नहीं है, तो हमारे बच्चे, मतलब मैं और मेरे बच्चे, बाकी सारे बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं मेरे तीनों बच्चे, और मैं ही अकेले घर में हूँ। तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना कर डाल दूँ कि देखिएगा मेरे घर में कितनी शदीद गर्मी है, पता नहीं इस गर्मी को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, हमें नहीं पता आ रहा। अगर आप ये कह रहे हैं कि बाहर बंद कर दें हम डोर वगैरह, अगर हम डोर बंद करते हैं तो यहाँ पर इतना सफोकेशन होता है कि सांस नहीं ली जाती, घबराहट होती है, तो वो घबराहट तो कम से कम नहीं होती। गर्मी का सीज़न है, आप क्या कर सकते हैं। अब सारे लोग ये कहते हैं कि एसी चलता है तुम्हारे यहाँ, तो यहाँ गर्मी नहीं हो सकती। तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स,
ऐसी बात मत करिए करिए। एसी के रूम में रह के आप ना ही खाना बना सकती, ना ही क्लॉथ वगैरह और काम पॉट क्लीन कर सकती। इसके लिए आपको किचन में जाना पड़ेगा। आप किचन में एसी कमरे रूम एसी रूम में मीन्स किचन नहीं बना सकती। तो मेरा सभी लोगों से ये कहना है, अगर सभी लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप मतलब ठीक रहती हैं, तो ये बिल्कुल बेकार है। मुझे भी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। तो मुझे अब गर्मी है तो क्या करें, बहुत ज़्यादा तो 10 दिन में 2 से 3 बार नहा लेते हैं जिससे गर्मी दूर हो जाए। और घर का काम तो सारा खुद ही करना पड़ता है, मेरे मेड नहीं है, जैसे मैं अपने हर व्लॉग में बताती हूँ। बर्तन वगैरह मैं वीडियोस भी बनाती हूँ किचन की, तो इस चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा देर भी होती है। जिस डिश में मुझे रेसिपी में मुझे आधा घंटा लगना था, हाफ आवर, तो उस रेसिपी में मुझे करीब 2 आवर लगते हैं। सारा सामान मैनेज करके रखना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा देर होती है। चलिए, अपने बारे में बस इतना ही बताना था, और मैं नहीं चाहती आपका ज़्यादा टाइम लेना। तब तक फिर मिलेंगे अपने ऐसी तरीके से छोटे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। अगर चाहें गर्मी का सीज़न, गर्मी के बारे में मेरी मतलब आप भी थी सुनना, अगर आपको ज़रा सा भी हटो मेरे तरफ से तो सॉरी। गर्मी की तो मुझे बहुत ज़्यादा लगी गर्मी, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा। तो प्लीज़ अगर ज़रा सा भी ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे इतने ही अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। डोंट नो यार।